Assalamu alaikum. Today my lecture topic is about entropion. What is entropion? Entropion kya cheez hai? Entropion ki definition, it is a condition in which the eyelid margin is turned towards the eyeball. Iska matlab kya hai ki hamare paas ye ek eye hai. ये हमारे पास यहाँ पे कॉर्निया है और ये पूरा कंजक्टिवा है. ये जो हमारे पास आईलिड है, ये अपर आईलिड और ये लोअर आईलिड. नॉर्मली जो इनकी पोजीशन होती है, ये पोजीशन हमारे पास अवे फ्रॉम द ग्लोब होती है और इसके अंदर से आईलैशेस हमारे पास निकल रही होती है. ये नॉर्मली ये ऊपर की तरफ आ रही होती है. अच्छा, ड्यू टू एनी रीजन विच वी टॉक अबाउट लेटर, ये जो आईलिड की पोजीशन होती है, आईलिड की जो मार्जिन होती है, ये हमारे पास टर्न हो जाती है टुवर्ड्स द आई बॉल. इट इज़ अ कंडीशन इन विच द आईलिड मार्जिन इज टर्न टुवर्ड्स द आई बॉल. तो ये जो हमारे पास आईलिड है, आईलिड की मार्जिन जो है, ये टर्न होने के बाद ये सारी की सारी हमारे पास यूं अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी. सही है. अच्छा, अब एंट्रोपियन के अंदर हमारे पास एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है, वो ये होता है कि इसके अंदर हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद द ट्राइकाइसिस. व्हाट इज ट्राइकाइसिस? तो ट्राइकाइसिस की डेफिनेशन हमारे पास ये है कि मिसडायरेक्शन ऑफ आईलैशेस टूवर्ड्स आई बॉल. सो द ट्राइकाइसिस इज अ डिफरेंट कंडीशन, बट इट इज अ पार्ट ऑफ अ एंट्रोपियन, बिकॉज द एंट्रोपियन डेफिनेशन इज दैट इनवर्ड मूवमेंट, इनवर्ड टर्न ऑफ द आईलिड टूवर्ड्स द ग्लोब. सो वेन एवर देर इज एन इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द आईलिड अकर, सो द आईलैशेज विल ऑल्सो मूव इनवर्ड एंड देर इज अ मिक्स डायरेक्शन ऑफ द आईलैशेज टूवर्ड्स द आई बॉल. तो ये हमारे पास एंट्रोपियन के साथ ट्राइकाइसिस मोस्ट कॉमनली हमारे पास मिलेगा. अब हम लोग बात करते हैं इसकी टाइप्स की. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द ट्राइकाइसिस? दो तरह की सबसे हम कॉमनली हम लोग देखते हैं, कंजेनाइटल और एक्वाइर्ड. नाउ द एक्वाइर्ड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, 1, 2 and 3. द फर्स्ट इज द सीनाइल, सेकेंड इज अ सिकाट्राइकल एंड थर्ड इज अ स्पास्टिक. सबसे पहले हम लोग अगर बात करें सीनाइल की, तो सीनाइल का मतलब एक है बुढ़ापा. के हमारे पास बहुत से पेशेंट, ये सबसे कॉमन टाइप है हमारे पास इंट्रोपियन की, और इट इज़ मोर कॉमन इन एल्डरली पीपल बिकॉज दैट वाई इट इज़ कॉल्ड ए सीनाइल इंट्रोपियन. होता ये है कि हमारे पास इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि सीनाइल एंट्रोपियन के अंदर हमारे पास नॉर्मली कि हमारे पास जो ऑर्बिकुलरिस ऑक्युलाई मसल होता है, व्हाट इज द ऑर्बिकुलर ऑक्युलाई मसल? द ऑर्बिकुलरिस ऑक्युलाई मसल इज प्रेजेंट अराउंड द ऑर्बिट एंड इट इज द मेन मसल इन क्लोजिंग द आई ऑर्बिट. सो हमारे पास जब ऑर्बिकुलर ऑक्युलाई जो मसल था हमारे पास, मैं यहाँ पे ऑर्बिकुलर ऑक्युलाई की मसल की डायग्राम बनाता हूँ. ये हमारे पास एक ऑर्बिकुलर ऑक्युलर मसल थे, इसका ये हमारे पास प्री टॉर्सल पार्ट है और ये हमारे पास प्री सेप्टल पार्ट है. ये नीचे वाला ये प्री टॉर्सल पार्ट है और ये प्री सेप्टल पार्ट है. नॉर्मली क्या होता है कि ये प्री सेप्टल जो रहता है वो ऊपर रहता है और प्री टॉर्सल नीचे पार्ट होता है. पर सीनाइल एंट्रोपियन के अंदर ड्यू टू द ओवर राइडिंग ऑफ द प्री टॉर्सल पार्ट, प्री सेप्टल पार्ट, इट इज नोन ए प्री सेप्टल विच इज अ आउटर वन एंड द इनर वन इज अ प्री टॉर्सल. And it is most common in lower eyelid in the elderly people. Lower eyelid के अंदर होता है और elderly people के अंदर होता है. तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो preseptal, pre-torsal part जो है ये ऊपर होता है, मतलब inward होता है, और preseptal जो होता है वो downward होता है. तो हमारे पास ये जो preseptal है इसकी overriding हो जाती है towards the pre-torsal part due to the atrophy of the torsal plate and the lower lid retractor. There are two things which make the preseptal part in the outward direction and the pretorsal part in inward form. But whenever there is an atrophy of these two things, lower lid retractor and the torsal plate, so it lead to the overriding of the
प्रीसेप्टल पार्ट टुवर्ड्स द प्रीटोर्सल पार्ट, एंड एज यू नो दैट अगर ये पार्ट हमारे पास जो प्रीसेप्टल पार्ट है अगर ये ऊपर से इस तरफ आने लग गया तो हमारे पास क्या होगा कि लोअर लिड टुवर्ड्स द आईबोन हमारे पास मूव करेगी या अपर लिड टुवर्ड्स द आईबोन हमारे पास मूव करेगी। इसी तरीके से नीचे की तरफ देखें अगर ये इसके ऊपर ओवरराइड करना शुरू हो गया तो हमारे पास इसकी वजह से ये लोअर लिड हमारे पास अंदर की तरफ टुवर्ड्स द आईबोन मूव कर जाएगी, तो ये हमारे पास सिनाइल हो गया। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है सीका ट्राइगल। सीका ट्राइगल के अंदर हमारे पास ये होता है कि कंजक्टिवा जो हमारे पास होता है पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, एज यू नो दैट ये हमारे पास ये आईलिड है, ये कॉर्निया है और ये सारा जो हिस्सा है ये कंजक्टिवा की फॉर्म है। यहाँ पे हमारे पास जो आईलिड के नीचे जो कंजक्टिवा होता है उसको हम लोग कहते हैं पैल्पेब्रल कंजक्टिवा। सो वेन एवर देयर इज एन डिफेक्ट इन द पैल्पेब्रल कंजक्टिवा एंड देयर इज अ स्कैरिंग ऑफ द पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, जो पैल्पेब्रल कंजक्टिवा की जब स्कैरिंग होती है फाइब्रोसिस होती है तो पैल्पेब्रल कंजक्टिवा अपनी तरफ लोअर लिड या अपर लिड को खींचता है। ये ज़्यादातर अपर आईलिड के अंदर कॉमन होता है क्योंकि खींचना अपर आईलिड के अंदर ज़्यादा आसान होता है, तो स्कैरिंग ऑफ द कंजक्टिवा की वजह से हमारे पास जो कॉर्निया कंजक्टिवा जो होता है वो हमारे पास अपर आईलिड को अपनी तरफ खींचता है पुलिंग डाउन द अपर आईलिड टुवर्ड्स द ग्लोब। तो यहाँ पे जब हमारे पास स्कैरिंग होगी तो यहाँ पे एडिशंस वगैरह बनना शुरू हो जाएंगी और ये उसको अपनी तरफ खींचेंगी तो हमारे पास ये जो लोअर अपर आईलिड है ये नीचे की तरफ टुवर्ड्स द ग्लोब आना शुरू हो जाएगी और इसके साथ साथ जो आईलेशेज होंगी वो भी हमारे पास टुवर्ड्स द आई ग्लोब आना शुरू हो जाएंगे जिसके वजह से कॉम्प्लिकेशन होती है। तो हमारे पास सिनाइल सीका ट्राइकल और हमारे पास अब तीसरी जो फॉर्म है वो है हमारे पास स्पास्टिक। स्पास्टिक के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ओवर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑर्बिकुलर ऑक्युलर मसल हो जाती है जिसकी वजह से हमारे पास ऑर्बिकुलर ऑक्युलर मसल में बहुत ज़्यादा तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट रहता है और जब इसकी स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो हमारे पास क्या होता है इनवर्ट रोटेशन ऑफ द आईलिड मार्जिन हो जाती है। इसके अंदर ना कोई स्कैरिंग होती है ना कोई सिनाइल चेंजेस होती है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पैथोलॉजी विच इज़ प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑर्बिकुलर ऑक्युलर मसल। Because of the contraction of the orbicular oculomotor muscle, this lead to the formation of the inward movement of an eyelid, which lead to the formation of the entropion. So, all of these about the types of the entropion and now the congenital type. So, what do you mean by congenital? It is a rare type, it is not common, but there is an anomalies in the tarsal plates or in the maldevelopment, malformation of the tarsal plate. Yeah. Maldevelopment of the tarsal plate, there is a, okay? Now, what are the clinical features of the entropion? So, the clinical features are divided into two parts. One is the symptoms and one is the sign. So, what are the presenting symptoms the patient will tell to us that the there is a misdirection, misdirectly lash. वो पेशेंट बोलेगा कि मेरी जो आई लैशेज है वो अंदर की तरफ जा रही है टुवर्ड्स द आईबॉल और मेरी आई के ऊपर जो कॉर्निया है उसको इरिटेट कर रही है। जाहिर सी बात है जब आप आंख झपकाएंगे तो आपकी जो आई लैशेज हैं वो उसी जगह पे रहेंगी और जो आपकी आई बॉल की वजह से जो हमारे पास जब हम लोग आईलेट को जब बंद करेंगे तो हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि आई लैशेज जो होती है वो हमारे पास बाहर की तरफ निकली होती है। आई लैशेज का जो शेप होती है वो हमारे पास बाहर की तरफ होती है, ये बाहर की तरफ है, पर ये आई लैशेज अगर यूं करके अंदर की तरफ जाने लग जाएं तो क्या होगा, ये आई लैशेज जब अंदर की तरफ जाने लग जाएंगे तो जैसे ही बंदा आईलिड को बंद करेगा तो ये सारी की सारी आई लैशेज जाके किसको टकराएंगी, कॉर्निया को टकराएंगी और इस टकराने को हम लोग रबिंग ऑफ द कॉर्निया कहते हैं और ये रबिंग ऑफ द कॉर्निया कैन मेक अ वेरी बिग कॉम्प्लिकेशन बिकॉज दीज इरिटेशंस ऑफ द आई लैशेज टू द कॉर्निया विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द पंक्टेट एपिथेलियल केराटिनस एंड आफ्टर दैट देयर इज अ कॉर्नियल अल्सर एंड द सेकेंडरी इन्फेक्शन विच लीड टू द स्कैरिंग ऑफ द कॉर्निया एंड लीड टू द अल्टीमेटली लीड टू द ओपेसिटी ऑफ द कॉर्निया। सो ट्राइकेसिस इज नॉट अ स्मॉल कंडीशन और नॉट अ सिंपल कंडीशन बट इट कैन लीड टू द मेनी कॉम्प्लिकेशंस। तो हमारे पास जब ये ट्राइकेसिस की वजह से जब ये कॉर्निया को तंग करेगी, कॉर्निया को इरिटेट करेगी तो ये सारी चीज़ें आएंगी, साथ साथ कंजक्टिवा को भी तंग करेंगी तो कंजक्टिवा के अंदर हमारे पास क्या होगा, कंजक्टिवल रेडनेस, पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस और पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मेरे को लैक्रिमेशन, बार बार पानी आता है आंखों से, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आंखों में कचरा, जाहिर सी बात है उसको बार बार कॉर्निया को जो वो तंग कर रहा है
तो फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी, और इसके अलावा फोटोफोबिया, क्योंकि हमारे पास जो कॉर्निया है उसके टियर फिल्म को वो हमारे पास क्या कर रहा है, प्री कॉर्नियल टियर फिल्म को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से फोटोफोबिया और कॉर्निया को डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से फोटोफोबिया हुआ। तो ये सारे के सारे हुए क्लिनिकल फीचर। साइंस के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, साइंस के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास आईलिड जो है वो इनवर्ट मूव कर गई है, तो हमें पता लग जाएगा भाई इस बंदे को क्या है, इंट्रोपियन। अब इंट्रोपियन का जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द टाइप। अब ट्रीटमेंट के अंदर इसके सारे सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड नॉट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट। तो हम लोग सबसे पहले सिनाइल इंट्रोपियन की बात करें, तो सिनाइल इंट्रोपियन के अंदर हम लोग ट्रीटमेंट के तौर पे इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वीस प्रोसीजर करते हैं, वीस प्रोसीजर। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हॉरिजॉन्टल जो लिड होती है उसको हम लोग फुल वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि उस हॉरिजॉन्टल लिड को हम लोग स्प्लिट करते हैं दो के अंदर, और फिर स्यूचर के जरिए उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो हमारे पास जो इंट्रोपियन जो है वो करेक्ट हो जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इवर्टिंग स्यूचर लगाएंगे उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो हमारे पास जो मसला ट्राइकेसिस का था वो हल हो जाएगा। तो इसका एक प्रोसीजर तो ये, दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है फॉक्स प्रोसीजर। फॉक्स प्रोसीजर के अंदर क्या होता है कि हम लोग डाउन ट्रायंगल बनाते हैं कंजक्टिव और टॉर्सल प्लेट को, उसके अंदर एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो नॉर्मली आईलिड जो होती है उसकी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए हम लोग ये डाउन बेस कट लगाते हैं ऑन द कंजक्टिवा और टॉर्सल प्लेट पर। इसके बाद हमारे पास आया था सीकर ट्रायंगल इंट्रोपियन, जो कि दूसरा हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अगर माइल्ड है, बिल्कुल माइल्ड है, थोड़ी बहुत स्कैरिंग है, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग वही करेंगे, आईलेट को पहले स्प्लिट करेंगे, आईलेट को हम लोग टॉर्सल को कट करेंगे और हम लोग इवर्टिंग स्यूचर लगा देंगे। पर अगर हमारे पास सीवियर केस है, बहुत ज़्यादा स्कैरिंग हो चुकी है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जो जगह स्कैरिंग की कंजक्टिवा की होती है, पल्पेब्रल कंजक्टिवा की, उसको रिमूव करके उसकी जगह हम लोग एक ग्राफ्ट लगा देते हैं, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसको हम लोग ग्राफ्ट के तौर पे लगा देते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ्ट के तौर पर हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन को वहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्पास्टिक इंट्रोपियन। स्पास्टिक एंट्रोपियन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसके अंदर एक मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, बड़ा कॉमन मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं बॉटुलिनम, बॉटुलिनम टॉक्सिन, बोटॉक्स जो हम लोग होता है, बॉटुलिनम टॉक्सिन हम लोग इसके अंदर लगाते हैं। बॉटुलिनम टॉक्सिन क्या करता है, बॉटुलिनम टॉक्सिन का काम होता है कि फ्लैसिड पैरालिसिस करता है। अब जिस जगह पर कॉन्ट्रेक्शन हो रही है हम लोग को, उसको क्या करना, पैरालिसिस करना, और कौन सी पैरालिसिस करनी, फ्लैसिड पैरालिसिस करनी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कौन सा ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं, बोटॉक्स इंजेक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्बिकुलर ऑक्यूमेरी मसल की पैरालिसिस हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करना बंद हो जाता है। तो ये हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। कंजेनाइटल इंट्रोपियन का भी वही ट्रीटमेंट है कि जो एबनॉर्मलिटीज है उसको हम लोग रिमूव करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट सही है उसको वहीं रख देंगे, जिसकी वजह से इंट्रोपियन करेक्ट हो जाता है। दिस होल इज अबाउट द इंट्रोपियन। थैंक यू वेरी मच।